कोलिजन तीन तरह के होते हैं, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन और कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन। जब इसको नीट लेवल पे या एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे तो एक टर्म डिफाइन करेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जो कि एनसीईआरटी में डिफाइंड नहीं है, तो अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी कोलिजन का बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। सबसे पहले होता है इलास्टिक कोलिजन, है ना। एक चीज यहां पे समझ लो, कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो सोचते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। याद रखो, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जैसी कोई चीज नहीं होती है, है ना। तो कभी कभी कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। या अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन वर्ड यूज करो तो उसका मतलब इलास्टिक कोलिजन ही है, तो डोंट यूज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, है ना। परफेक्टली इलास्टिक, कंप्लीटली इनइलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक तो होता है, मगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं होता है। परफेक्टली इलास्टिक, पहले मैं भी इस तरह का वर्ड यूज करता था, मगर ऐसा कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। सो पहला कोलिजन है इलास्टिक कोलिजन, देखो, और दूसरा है इनइलास्टिक कोलिजन, और तीसरा है कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन। कोई भी कोलिजन हो, मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, इसमें तो दिमाग नहीं लगाना। किसी भी टाइप के कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व होगा, वो क्लियर हो गया। इलास्टिक कोलिजन में, अगर इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, टोटल, एक पार्टिकल की नहीं, टोटल जितने भी पार्टिकल हैं, दो पार्टिकल है, तीन पार्टिकल है, अक्सर दो होते हैं, तो दो पार्टिकल की टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टू पार्टिकल की टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, आई विल टेक रेड पेन, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, इसका मतलब क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, है ना। टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली वो थोड़ी सी ज्यादा होगी, लॉस हो जाएगा तो कम हो जाएगी, ठीक है। सो देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो अगर इनइलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है। नाउ इसमें कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, और मैक्सिमम लॉस होता है ना। लॉस इसमें भी होता है, लॉस यहां पे भी होता है, मगर मैक्सिमम लॉस नहीं होता, सबसे ज्यादा मैक्सिमम, इससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम लॉस किसमें होगा, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन में। इसको कभी कभी लोग परफेक्टली भी कहते हैं, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, बॉडीज मूव सेपरेटली आफ्टर द कोलिजन। ये तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं, सेपरेटली मूव करेंगी, बॉडीज मूव सेपरेटली आफ्टर द कोलिजन, ये भी सही है। बस यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन है तो बॉडीज कोलिजन के बाद एक साथ मूव करेंगे। तो कभी कभी सवालों में परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इसी तरह से पहचानते हैं, समझ आई बात, इसी तरह से पहचानते हैं। तो मान लो कोई ऐसा कोलिजन हो रहा है जहां पर आफ्टर द कोलिजन दोनों चीजें एक साथ मूव करने लगी हैं, है ना। तो कोई मूवी का सीन ले सकते हो जिसमें कोई आदमी लटक रहा है, ऊपर से कोई जंप किया, जंप करने के बाद उसको पकड़ लिया और एक साथ मूव करने लगे, ऐसे कुछ तो कह सकते हो कि, है ना, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। या कोई सिंपल एग्जांपल ले लो, जैसे ये है बुलेट है, किसी बड़ी सी बॉल में एंटर बुलेट फायर किया, है ना, ये बुलेट इसमें एंटर कर गई और दोनों एक साथ मूव करने लगे, तब क्या होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन या कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन की बहुत बड़ी पहचान होती है, है ना, बहुत बड़ा रिकग्निशन होता है कि आफ्टर द कोलिजन बोथ द पार्टिकल विल मूव विद सेम वेलोसिटी। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। खैर, एटॉमिक कोलिजन भी होते हैं, बिलियर्ड बॉल के कोलिजन अक्सर इनइलास्टिक होते हैं, है ना। इलास्टिक कोलिजन, एटॉमिक कोलिजन हो भी सकते, होते भी, तो इसकी डिटेल में नहीं जा रहे। नॉर्मली बिलियर्ड बॉल के कोलिजन इनइलास्टिक होते हैं, कुछ एनर्जी लॉस होती है, और ये तो एग्जांपल दे दिया है ना, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। आई होप यू गॉट इट, ये तीनों चीज़ें दिमाग में रहेंगी। नाउ ठीक है, सो ये सब हो गया।
I've explained all these things. Now, so first हम discuss करते हैं one dimension completely inelastic collision, ठीक है, इसके लिए मैं separate video ही बनाऊंगा.